बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। एक नई इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हैं दोस्तों। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अलाइड एग्री लोन। एग्रीकल्चर के लिए अलाइड बैंक कौन कौन से आपको लोन फ्राहम करता है ताकि खेती बाड़ी या ज़मींदारा वगैरह और एग्रीकल्चर को ज़रात को सपोर्ट करने के लिए बैंक आपको अगर फाइनेंस प्रोवाइड करे तो किस किस फील्ड में आपको देता है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, ये लिंक ओपन करेंगे आप गूगल पे जाके तो हमारे सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के फाइनेंस जो बैंक करता है वो किस प्रोडक्ट में करता है, यानी कि उसके कौन कौन सी फील्ड्स हैं, यानी कि आप अगर किस पेशे से वाबस्ता हैं, आप अपनी ज़मीन पे कौन सी फसल उगाते हैं, क्या उस पे बैंक फाइनेंस करता भी है या नहीं। आज मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करने लगा हूँ, फिर हम वन बाय वन हर प्रोडक्ट को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग या एग्रीकल्चर लोन है। पहला है हरी भरी एग्री रिवॉल्विंग क्रेडिट। इसमें यह है कि आपको ज़मीन के लिए एग्रीकल्चर रिवॉल्विंग क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चर ज़मीन को आप ज़रात उसमें फसल उगाने के लिए आपको बैंक लोन देगा, उसमें आ जाता है यानी कि हम ये कर लें कि जैसे गन्ने की फसल हो गई, गंदम हो गई, चावल हो गया, ज्वार चना वगैरह के लिए। फिर उसके बाद जाता है ट्रैक्टर फाइनेंस देगा। अब आप अपने आप को अपनी ज़मीन को करामत बनाने के लिए ट्रैक्टर भी ज़रूरत पड़ेगा, ताकि आप प्लोइंग करेंगे, हल चलाएँगे, तो उसकी ट्रैक्टर फाइनेंसिंग भी है। उसमें आ जाती है अलाइड अबियारी। अबियारी से मुराद ये है कि अगर आप अपने आपको अपनी फसल या ज़मीन के लिए पानी चाहिए तो आप उसमें ट्यूबवेल बोरिंग लगाना चाहते हैं, सोलर लगाएं या नॉन सोलर लगाएं, तो उसके लिए फाइनेंसिंग है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अलाइड फार्म मैकेनिज्म। ठीक है, फार्म मैकेनिज्म से बाद ये जो आप देख रहे हैं आपको ये जो मशीन है या इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको कर्ज़ा प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अपने जो है ना खेत को इस लिहाज पे लें कि वो फसल के काबिल हो जाए। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर फाइनेंस डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग करना चाहिए अगर गाय आप वगैरह अपने पास रखें या भैंसें रखें और उनका दूध वगैरह आप सप्लाई करना चाहें, दूध का बिज़नेस करें या डेयरी फार्म बनाना चाहिए, उसमें आपको लोनिंग मिलती है। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर फाइनेंस पोल्ट्री फार्मिंग। अगर आप पोल्ट्री का बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे कि मुर्गियाँ पालना, छोटे चूजे लेके उनको बड़ा करके आप रीसेल करें, मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं, तो उसके लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास फंड की कमी है तो उस सूरत में बैंक आपको इसमें भी फाइनेंसिंग देता है ताकि आप इसका पोल्ट्री का बिज़नेस भी स्टार्ट कर लें। ये हैं तकरीबन छः फील्ड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन हर वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किस फील्ड में आप जाएं अगर किसका लोन लेना चाहें तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका बैंक का मार्कअप क्या है, आपको अमाउंट कितने मिलेगी, तो इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की अहम वीडियो आप तक लाजमी टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। बैंकिंग गुरु के नाम से एक वेबसाइट बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली उसको भी विजिट करें। मिलते हैं अगले हम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।